गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अर्ली मॉर्निंग उठने का जो आदत है ये बहुत ही अच्छा है, ये जितना रिफ्रेशिंग है उतना ही प्रोडक्टिव। अगर सुबह सुबह हम जाग सकते हैं तो पूरा दिन बहुत बड़ा लगने लगता है, और जो भी कमिटमेंट आपको अर्ली मॉर्निंग होती है ना, वो सारा तो आप कंप्लीट कर ही पाएंगे, और उसके साथ साथ अपने आप के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हो। जरा सोचिए, अर्ली मॉर्निंग आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो और आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो विद अ कप ऑफ टी और कॉफी, ये बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग एंड प्रोडक्टिव है। और इस टाइम को मैं एवरी डे बहुत ज्यादा एंजॉय करती हूँ। मुझे लगता है कि ये टाइम सिर्फ और सिर्फ मेरा है। सुबह सुबह जैसे कि मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ फेस के लिए, बिल्कुल ऐसे ही बॉडी के लिए मैं यूज़ करती हूँ एलोवेरा जेल। और यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ वाव का एलोवेरा जेल, जो कि 99% प्योर एलोवेरा है और ये डर्मेटोलॉजिकली भी टेस्टेड है। इसमें कोई भी पैराबेन, सिलिकॉन, मिनरल ऑयल, कलरेंट या कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है। तो अगर आप घर में भी रहो, अगर आप बाहर ना भी जाओ, तो भी पूरे फेस में मतलब स्किन पे आपको एलोवेरा जेल यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। फेस के लिए आप सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं और ये एलोवेरा जेल भी, और ये मल्टीपर्पज़ एलोवेरा जेल है, यानी कि इसे आप हेयर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बॉटल पंप सिस्टम होने के कारण इसे यूज़ करना भी बहुत इजी हो जाता है। सो गाइस, इस एलोवेरा जेल के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस प्रोडक्ट को मैं इस वीडियो में टैग कर दूंगी। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो व्यू टैग में जाके इसे परचेस कर सकते हो। कहने को तो मेरा 3 BHK है, पर मैं रहती हूँ 1 BHK में, बिकॉज एक है हमारा ऑफिस रूम जहाँ पे मेरा ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, शूटिंग वगैरह, और एक है आर्यन का रूम, वहाँ पे भी कुछ नहीं होता। तो मेरा जो मोस्ट ऑफ द ब्रांड कोलेब्रेशन का वीडियो होता है वो मैं बेडरूम में ही करती हूँ, तो इसलिए बेडरूम को मैं हमेशा तैयार रखती हूँ। थोड़ा सा डस्टिंग करना, मैं किसी के भी भरोसे नहीं रहती कि राधिका आए राधिका करे, नहीं। मुझे सुबह सुबह सबसे पहले अपने बेडरूम को सेटअप करना पड़ता है, क्योंकि एवरीडे कोई ना कोई ब्रांड कोलेब्रेशन या तो इंस्टा शूट कुछ ना कुछ रहता है, और इसके लिए जो जगह मिलता है वो बस मेरा बेडरूम ही है। और ऑस्कर माइलो के लिए मैं लिविंग पे कुछ नहीं कर सकती, बेडरूम का दरवाजा बंद करके बस मैं अपने बेडरूम में ही काम करती हूँ। तो इसलिए जो जगह पे आप काम करोगे वो जगह अगर हमेशा टिप टॉप रहे, हमेशा सेट होके रहे ना, तो काम करना भी ईजी हो जाता है, आपका टाइम बच जाता है और काम करने में भी अच्छा लगता है। मैं हमेशा अपने कपड़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखने की कोशिश करती हूँ, ताकि जब भी मुझे जो कपड़े पहनना है वो मुझे जल्दी से मिल जाए, उसे ढूंढना ना पड़े और उसके लिए मुझे टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो जो भी मेरा कोऑर्ड्स है तो उसे मैं एक दूसरे के साथ रैप करके रखती हूँ, ताकि एक निकले तो दूसरा भी निकल जाए। बिल्कुल जैसे सॉक्स को हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ ऐसे टाई करके रख देते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ पेयर में होता है ना, उसके साथ एक ही प्रॉब्लम होता है कि एक मिल जाता है और दूसरा नहीं मिलता। तो इसलिए सारे चीज़ें मैं बिल्कुल इसी तरह से, स्पेशली मेरा जो नाइट सूट से वो मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। जो भी पहनती हूँ मैं सेट में पहनती हूँ और वो दिखने में भी अच्छा लगता है। और एक साइड में मेरा पूरा जीन्स रहता है, तो जब भी मुझे जीन्स पहनने का मन करे तो सारे जीन्स जब एक ही जगह पे रहेगा ना, तो आपको कलर चूज करने में या कौन से डिज़ाइन का आज आप पहनने वाले हो तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, पर एक एक जीन्स एक एक जगह पे रहेगा तो आपको पूरा अलमारी ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए कपड़े, और स्पेशली मेरा जो प्रोफेशन है, इसके लिए कपड़े हमेशा ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इंसान हमेशा अपना रूटीन सेट करता है अपना प्रोफेशन के हिसाब से। तो मेरा जो प्रोफेशन है वो है वीडियो शूट करना। तो जब भी मैं कोई वीडियो शूट करने बैठती हूँ तो उसके बाद कितना टाइम हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता, और शूट डे पे कभी कभार मेरा लंच भी स्किप हो जाता है। तो इसलिए हमेशा मैं ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हेवी कर लेती हूँ, ताकि अगर लंच भी मेरा स्किप होता है तो भी मेरे हेल्थ पे कोई इशू ना आए। क्योंकि अगर आप सुबह से सिर्फ एक कप चाय के ऊपर टिके रहोगे ना और लंच भी नहीं करोगे तो ये आपके हेल्थ इशू हो जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप सुबह सुबह थोड़ा सा फुल बेली अपना ब्रेकफास्ट कर लो, फिर जितना भी लेट आपको लंच करना है आप लंच कर लो, या आफ्टर लंच मतलब लंच टाइम निकल जाने के बाद किसी को हेवी खाने का मन नहीं करता, तो थोड़ा सा इवनिंग स्नैक्स कुछ कर लो, तो ये आपके हेल्थ पे नहीं आएगा ये प्रॉब्लम। तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि थोड़ा सा हेवी कुछ नाश्ता मैं कर लेती हूँ, एंड देन पूरे दिन के लिए मेरे काम के लिए एकदम फ्री रहती हूँ। दिन में मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक घंटे में एक गिलास पानी पीऊँ,
और ग्लास में मैं पीती हूँ बिकॉज इसका एक हिसाब रहता है कि मैंने कितने ग्लास आज पूरे दिन में पानी पी है, क्योंकि बॉडी जब डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं तो उस टाइम में भी आप जितना भी एक्टिविटी करो, और स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हो तो आपको पानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है, और अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर पानी नहीं मिलता तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगा और उस टाइम में आपका एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ हर एक घंटे में मैं एक ग्लास करके पानी पीऊँ, चाहे प्यास लगे या ना लगे, और धीरे धीरे ये हैबिट बनता जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा हैबिट है, क्योंकि बॉडी में अगर फूड का कमी हो तो भी चलेगा, पर पानी का कमी बिल्कुल नहीं चलेगा। जबकि मैं सुबह बहुत जल्दी उठती हूँ तो आफ्टर लंच मैं थोड़ा सा वॉक करने के बाद एक पावर नैप ले लेती हूँ एक घंटे का, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे दिन अगर आप बैक टू बैक वर्क करो तो उसके बाद थोड़ा सा आपको रेस्ट की ज़रूरत है। रेस्ट मीन्स आपका मेंटल रेस्ट का भी, आँखें सिर्फ बंद करो उतना ही काफ़ी है। तो इसलिए जब भी मैं पावर नैप लेती हूँ तो मैं एकदम सीधा आराम से नहीं सोती हूँ, मैं इंक्लाइंड होके सोती हूँ, और एक घंटे का मैं अलार्म लगा के रखती हूँ ताकि एक घंटे बाद जब अलार्म बजे तो उस टाइम मैं उठ सकूँ। और यही एक घंटा अगर दो या तीन घंटे में बदल जाए ना तो बस सब कुछ, मतलब वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, तब प्रोडक्टिव तो बिल्कुल नहीं रह पाएंगे इवनिंग में, उल्टा पूरा लेथर्जी हो जाता है, कभी कभी होता था मेरे साथ। तो मैंने देखा एकदम अगर स्किप कर दूँ दोपहर का सोना तो भी मुझे बहुत लेथर्जी फील होता है, क्योंकि मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा और एक घंटे की नैप की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम में ज़्यादा काम भी नहीं रहता तो एक घंटे का नैप ले लेती हूँ आफ्टर लंच, और फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवनिंग से लेकर रात तक मैं बहुत अच्छे से सारे काम कर पाती हूँ। इवन जो लोग 5 या 5:30 बजे सुबह जाग जाते हैं ना, मुझे लगता है कि उनको 9 बजे या 9:30 बजे के अंदर डिनर करके सो जाना चाहिए, तो जाके नींद पूरी होगी, क्योंकि बेड में आते ही नींद आ जाती है, ऐसा भी नहीं है, तो थोड़ा सा तो टाइम लगता है नींद आने में, पर इतना जल्दी मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं सो सकती, मुझे सोते सोते 11, 11:30 तो बज ही जाते हैं, तो इसलिए दोपहर में एक घंटे का नींद मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। दिन का जो भी कमिटमेंट रहता है तो उसके बाद कभी कभार ना बहुत ज़्यादा थकावट या ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है, मैं कॉन्स्टेंटली काम नहीं कर सकती, कोई भी चीज़ पे इतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगा सकती जो कि घंटों भर रहे, तो बीच में मुझे थोड़ा सा ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है, और मेरा ब्रेक है अरिजीत सिंह का गाना एंड कॉफ़ी। तो अभी कॉफ़ी बना के मैं बैल्कनी में बैठूँगी, साथ में अरिजीत सिंह का गाना सुनूँगी, और वो जो टाइम है वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है। उसके बाद फिर से जब मैं अपने काम में बैक करती हूँ तो बहुत ही एनर्जी के साथ मैं सारे काम कर सकती हूँ, क्योंकि गाना सुनना मुझे बहुत पसंद है, और स्पेशली अरिजीत सिंह का गाना। और मैं अभी जो सॉन्ग सुन रही हूँ वो है बातों को तेरी हम भुला ना सके, बहुत ही ख़राब गाना है मेरा, प्लीज़ डोंट माइंड, पर मैं जो सुन रही हूँ वो बहुत ही मीठा है, बहुत ही मीठा से उस वॉइस में, तो इस तरह से मैं अपना एनर्जी इन्हेंस करती हूँ, डे को प्रोडक्टिव बनाती हूँ, क्योंकि कार जब आप चलाओगे लॉन्ग रूट पे तो पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, और मेरे ज़िंदगी में भी यही सारी चीज़ें हैं जो कि पूरे दिन को मेरा एकदम एक्टिव बनाते हैं। तो चलिए गाइज, आज इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।